हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आर फ्रेग्रेंसेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले अनबॉक्सिंग अहमद अल मगरिबी के बिन शेक परफ्यूम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मार्केट में और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो वो सब अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में, कैसी ये फ्रेग्रेंस है, किस वेदर के लिए है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इसका सियाज कैसा है, इसका प्रोजेक्शन कैसा है। उससे पहले दोस्तों इनकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। दोस्तों ये ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अपनी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी के लिए और अपनी बॉक्स की प्रेजेंटेशन के लिए भी। एक फ्रेग्रेंस आती है जहां अलबेत अल दमिश्की की, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप लगती है, उनकी पैकेजिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप लगती है मुझे। हालांकि उनकी जूस क्वालिटी अच्छी है, बट अहमद अल मगरिबी वाले काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। मतलब इनके जो भी फ्रेग्रेंसीज हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी क्वालिटी में आपको जूस दे रहे हैं फ्रेग्रेंस का, अच्छी क्वालिटी की ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो जल्दी से अनबॉक्स करने से पहले आपको बॉक्स दिखा दूँ। काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये बॉक्स है, सामने से आप देख ही सकते हैं बिन शेक लिखा हुआ। बैक साइड में काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं और आप यहाँ पर अहमद अल मगरिबी का एक होलोग्राम भी देख सकते हैं, और साइड में QR कोड भी, और यहाँ पर इसकी बैक डिटेल्स दी गई हैं और नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है। अब जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं कैसी है फ्रेग्रेंस। और दोस्तों ग्लव से हमेशा मेरे ग्लव्स फट जाते हैं इसको ओपन करते हुए, अहमद अल मगरिबी की जो भी फ्रेग्रेंस होती है, तो स्पेशली इसको एक कटर से ओपन करेंगे हम। और दोस्तों साइलोफेन हमने उतार दिया। बॉक्स की प्रेजेंटेशन की बात करूँ, बहुत ही हैवी क्वालिटी का है ये, मुझे लग रहा है अंदर से खुलेगा। और आप देख सकते हैं ऊपर से एक कवर है, मतलब पर्टिकुलर इसमें, और ये लेदर का हैवी बॉक्स जिसके अंदर हमारी पिन शेक की बॉटल है। इसको देख लेते हैं कितना हैवी बॉक्स है। दोस्तों आप देख रहे हैं वो लग्जरी वॉचेस आती है ना, महंगी महंगी लाखों रुपये की, मतलब ऐसे बॉक्सेज में आती है वो, वैसे ही बॉक्सेज में ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेग्रेंस। तो ये सच में बहुत क्वालिटी पैकेजिंग बना रहे हैं अहमद अल मगरिबी वाले। और इसको हम ओपन कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये डिज़ाइन है इनका, बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स जैसा ही लग रहा है। और कितनी सुंदर ये फ्रेग्रेंस बॉटल है, मतलब पैकेजिंग तो टॉप नॉच है ही इनकी। और आप देख सकते हैं बॉटल क्वालिटी कितनी प्रीमियम है, हैवी ग्लास की बॉटल है और कितना सुंदर इनका डिज़ाइन है। नीचे से आप देख सकते हैं कि स्टिकर लगा ओदी पफा, और दोस्तों सामने से आप देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी बिन शेक लिखा हुआ, और अहमद अल मगरिबी का आप यहां पर लोगो भी देख सकते हैं। और दोस्तों कैप पर भी आप देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी का लोगो। कैप को देख लेते एक बार दोस्तों, कैप भी कितनी हैवी कैप है, मेटलिक कैप है ये दोस्तों, काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी लग रही है देखने में। और दोस्तों इसका डिज़ाइन सच में इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग और प्रीमियम लग रही है बॉटल। स्प्रेयर क्वालिटी चेक करते हैं कैसी है। वाओ, स्प्रेयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर मिस्ट निकल रही है, और मतलब स्प्रेयर बहुत अच्छा है इसका दोस्तों। और दोस्तों फ्रेग्रेंस का तो क्या ही कहना, अब मैं इसकी फ्रेग्रेंस को स्निफ कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। इसके अंदर जो प्रोमिनेंट दूध है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध यूज़ किया गया है। जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मैं फील कर रहा हूँ वो ऊद ही मुझे इनिशियल नोट्स में फील हो रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें थोड़ी स्वीट नोट्स में, जैसे रोज़ की नोट को मैं फील कर पा रहा हूँ, और एम्बर वनीला इन सब को भी फील कर पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये दोस्तों ये एक विंटर फ्रेग्रेंस है क्योंकि ये वार्म स्पाइसी भी है, और जहाँ पर ऊद की नोट आपको आ जाए ना, जिस फ्रेग्रेंस में ऊद आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो एक विंटर फ्रेग्रेंस है। तो दोस्तों बात करूँ इसके वेदर की, तो इस फ्रेग्रेंस को आप फॉल एंड विंटर में ही यूज़ कर सकते हैं, ये कम गर्मियों और गर्मियों के लिए बिल्कुल नहीं है, मतलब ये आपके स्प्रिंग और समर के लिए बिल्कुल नहीं है, आप इसे फॉल एंड विंटर में यूज़ कीजिए। और दोस्तों इस फ्रेग्रेंस को मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, इसका प्रोजेक्शंस और सियाज भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन और सियाज काफ़ी हैवी मिलेगा आपको, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे लोगों से। और दोस्तों लॉन्जिविटी की बात करें तो ये पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम रहेगा आपके स्किन पर, आपके क्लोथ्स पर। तो दोस्तों आप इसे बेझिझक ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है,
फॉल एंड विंटर के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो अहमद अल मगरिबी बिन शेख की। आप इसका डीकेंट भी और इसका रिटेल पैक आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।